सुनो करो क्या हुआ? ये किसकी आवाज थी? चुड़ैल तो नहीं थी कहीं? इलायची के पापा, मैंने वो बांसी ली थी, ये उसकी आवाज थी। ये किसकी आवाज थी? ये आवाज तो बाहर से आई है। एक काम कर इलायची के, तू टॉर्च ले ले और हनुमान चालीसा, बाहर का नजारा देखने में थोड़ी मदद कर देंगे ये, समझ रही है? तू मेरे साथ आ, साथ में ही रहियो। क्यों डरा रही है मुझे? ठीक आ गई ना? आ जा। आ रही है? हाँ हाँ। डंडा लेके आ करू प्रणाम आंटी जी। हाँ खुश रहे सेठ जी, हमें आशीर्वाद दें, हम जा रहे हैं। सुन पचपन सेठ जी, पंचम। हाँ हाँ पंचम। अरे लेकिन दुकान तक जाने के लिए ये बोरिया बस्तर बांधने की क्या जरूरत थी तुझे? सेठ जी, हम ये नौकरी और ये छत छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जा रहे हैं। अपना ही नुकसान कर रहा है तू, ये घर नौकरी 2000 रुपए छोड़ के जा रहा है। हाँ ठीक है, लोगों को उठने का दूध निकालना है ना। जा जा, कुछ रहे वहीं, कुछ रहे, जा। जीजा जी, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता ये? जीजा जी, दुबई नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। पिंटू भाभी, मैंने तो अभी तक आपकी फ्रेंड चोटी भी नहीं बनाई और आपको ब्लीच करनी भी तो सिखानी है, अब जा रही है मुझे छोड़ के। देखिए लाइची जी, हम कब तक लेंगे बीच बीच कर अपना पेट पालेंगे? हमें जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है और हमारे साथ बूबू का भी, और हमें जाना होगा। जीजा जी, नहीं, आप नहीं जा सकते, मैं जाने ही नहीं दूंगी आपको। कोई नहीं जा रहा। अब... नहीं नहीं नहीं, नहीं। इलायची जी, नो नो अरे... नो, चलो अरे चलो चलो इलायची जी, ना ना छत पे रहो, चलो। अरे क्या कर रही है तू? तू तो ऐसे पकड़ रही है जैसे ये कोई तेरी चीज चुरा के भाग रहा हो। हाँ चुराया है, मेरा दिल। बहुत प्यार करती हूँ जीजा जी से, बहुत प्यार। और मैं पिट्ठू भाभी से प्यार करती हूँ। क्या हुआ? अरे सेठ जी, पापा, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। थैंक गॉड, ये सपना था। लेकिन कितना गंदा सपना था,
जीजाजी, गॉड, बे यार कौन आ गया इतनी रात को? अरे यार मुझे क्या पता, मैं कोई अंतर्यामी हो रखा हूँ, भाई जाके देख ले। ओ भाई यार, यार कहीं चुड़ैल तो ना आ गई? हाँ हाँ, चुड़ैल तो दरवाजा खटखटाएगी, फिर उसके बाद हमसे आकर पूछेगी मैं क्या आपको खा सकती हूँ। जीजा जी, भाई तू सही कह रहा था, चुड़ैल ही आई है। जीजा जी छत पर है? नहीं, जीजा जी देश छोड़ के नेपाल में गए। क्या? देखा, मुझे तो पता ही था यार, क्या पैसा ही करोगे। दुबई से प्लेन मोड़ लिया ना नेपाल की तरफ, बोलो क्यों? क्या बोल रही हैं आप? दरवाजा खोलो। कौन सा दुबई, क्या नेपाल? दरवाजा खोलिए, पहले खोलिए दरवाजा। हाँ, हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे, आपकी हिम्मत कैसे हुई जीजा जी, मतलब ये सब करने की? अरे नहीं, बताइए आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब छोड़ के दुबई भागने की, बताइए मुझे। अरे क्या दुबई, क्या बोल रहे हैं आप इलायची जी, कौन सा प्लेन? हम अधिकतम से अधिकतम अपने सपने में भी ना दरियागंज जाने के बारे में सोचते हैं, दुबई तो बहुत दूर की बात है। प्लीज जीजा जी, मैं भी सपने की बात करी हूँ, और सुबह 4 बजे का सपना था हमेशा सच होता, झूठा नहीं होता जीजा जी, और उसमें ना अब हम सबको छोड़ के दुबई दुबई भाग रहे थे। ये क्या बोल रही हैं आप? आपका सपना है, इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने अपने सपने में 150 की स्पीड पे बॉल मार के विराट कोहली को 6 से 10 बार आउट किया है। अब ये हमारा सपना है, उसी तरह से ये आपका सपना है, इसमें हमारी क्या गलती है? जीजा जी ना ना, गोल मोल बातें नहीं, घुमा घुमा फिरा के बातें मत करो मुझसे। सही सही बताओ, मतलब कम पड़ रहा है ना ये घर, 2000 की नौकरी, सब कम पड़ रहा है ना आपको? हाँ कम तो है। कान खोल के सुन लो ये बात और समझ लो अच्छे से, कि कभी भी आपने ये चांदनी चौक छोड़ के कहीं भी जाने की सोची भी ना। तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, मैं बता रही हूँ, समझ रहे ना आप? लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी और पिंटू भाभी, आपकी भी, याद रखना। सो जाओ, गुड नाइट, सो जाओ यहीं पे सो जाओ। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ मम्मी जल्दी से नाश्ता दे दो यार, स्कूल के लिए बड़ा लेट हो रही हूँ मैं। हाँ दे 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 दे, इलायची की मैसेज दे दे, वरना इसकी पिक्चर छूट जाएगी। पापा यार प्लीज, आज ना कोई नई फिल्म नहीं लगी है। अरे यार मतलब नहीं हो पुरानी हो, मैं कोई फिल्म नहीं देखती हूँ यार, प्लीज मेरे मूड का ना मतलब मिर्च का चार मत करिए, वैसे मतलब दिमाग खराब कर रखा है जुकाम ने। जी जी। अरे चटंकी भैया। कैसे जिया रात भर? मेरे घर में आए बिना कैसे जी लिया? ओ जीजा, ये घर तुम्हारा अकेले का ना है, मेरी जीजी कोई किराया दे के ना रह रही है, होल सोल इंचार्ज है इस घर की, बात कर रहा है तुम अपनी। एक काम करो जीजा जी, बाहर निकल लो। बाहर क्या, मैं तो कहता हूँ दुबई निकल लो, ना तुम्हारा कोई खर्चा होगा ना कोई टैक्स लगेगा, पूरा पैसा बचेगा आपका। और ऐसा कौन सा है छटंकी को जो दुबई में ना जाने, तुम कहो तो मैं तुम्हारी जुगाड़ लगवा दूं, निकलवा दूं दुबई तुम्हें, सब काम करवा देंगे तुम्हारा। हाँ तो सही, यही उम्मीद थी मुझे। अरे जो अपने आप से प्यार ना करता वो देश से क्या पार करेगा? और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे बच्चे हुए हैं यहाँ, मैंने परिवार अपना यहाँ पे इतना बड़ा किया है, और देश को ऐसा जीव दिखा कर निकल लूं यहाँ से, बात कर रहे हैं बेकार की। मामा पापा ने बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फालतू के आइडियाज ना हमें मत दिया करो, और चांदनी चौक छोड़ के ना हम लोग कोई दुबई उबई कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, बात करते रहते। मत जाओ, हमारा काम था समझाना, समझना ना समझना अब तुम्हारे हाथ में। सेठ जी, इस पे तो वो दाम वाला स्टिकर लगा ही नहीं है, पता नहीं मिल ही नहीं रहा, देखना जरा आपको उस साइड कहीं दिख रहा है? कभी कभी पता नहीं चलता यहीं कहीं होता है, देखिए ना सेठ जी अगर आपको दिख रहा। क्या हुआ सेठ जी? मुझे माफ कर दे, मैं अपना काम ढंग से ना कर पाया, इसने
स्टिकर लगाने की जगह मैं सीधा गल्ले पे आगे बैठ गया हूँ। नहीं तू कह तो बेस पे कोटा भी लगा दू है, नहीं कोई और काम भी बता दे मुझे। मैंने ना तूने मुझे रखा है काम पे यहाँ पे। सॉरी सेठ जी, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस ये बस क्या बस क्या बता, दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह मेरा। हाँ भैया जीजा, शुरू करो। क्या शुरू करूं? बेइज्जती। आजकल तो तुमको चस्का लग गया ना अलग अलग जगहों पे बुला करके हमारी बेइज्जती करने का, तो शुरू करो। टाइम क्या पास कर रहा है यार? तेरा ऑर्डर ले रहे ना बैठा हूं मैं बेइज्जती करने के लिए। बेइज्जती अपने मन से करूंगा जब चाहूंगा तब। मैंने आज तुझे किसी और काम के लिए बुलाया है। क्या हुआ पापा, क्यों बुलाया? आ जा, तू भी आ जा, बैठ जा। आज जो भी बात है सबके सामने कहना। सुन रख दे, फिर करूं बात। आज सबके सामने मैं बात कहना चाह रहा हूं। सुन, वो तू सुबह बता रहा था ना वो दुबई जाने का तेरा जुगाड़, उसी चक्कर में तो तुमने हमारी किरकिरी की थी। और कर ले, कर कर कर। तो सुनो सब है? सुन ले। हाँ हाँ, हम सब दुबई जा रहे हैं बस। और मैं ये दुकान समेट रहा हूँ और घर बेचने के लिए मैंने एक आदमी काम पे भी लगा दिया है। मेरे तो भाग ही फूट गया। अरे तुम सब ऐसे कैसे जम गए कुल्फी की तरह, जैसे मैंने तुम सबको उस पे बर्फ की सिल्ली पे रख दिया हो। पापा मजाक नहीं किया करो यार, बस करो। मजाक ना कर रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं। हा? अरे जिस जगह पे कोई अपना ना हो ऐसी जगह पे रहने से क्या फायदा। चांदनी चौक से मेरा मेरा मन उठ गया है बस। अब बस मैंने फैसला कर लिया है कि हम सब दुबई जाएंगे। ये कैसा फैसला है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? हम कैसे जा सकते हैं? नहीं सुने लाइची। हाँ तू बीच में मत बोल, कोई बहस मत कर वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, बता रहा हूँ। मेरे तो भाग ही फूट गए। तेरे आंसू करूँ ये मेरा फैसला ना बदल पाएंगे, बता दिया मैंने। मैंने फैसला कर लिया है, अब बस मैं जाऊंगा और तुम सब जाओगे मेरे साथ दुबई। अरे ये तो खुशी के आंसू है। मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठ जी आप हमें ऐसे मझदार में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारी तो नैया डूब जाएगी। मैं तेरा मल्लाओ रखा हूं जो तेरी नाव को ऐसे कहूंगा। अपना इंतजाम कर ले कहीं जा। लेकिन सेठ जी हम कहां जाएंगे और क्या करेंगे? मैंने तुझे गोदना ले रखा है, तू इंतजाम कर ले अपना कहीं भी, मुझे ना मालूम कहां जाएगा। पर पापा ये नहीं। सुन कल जाके ना अपने स्कूल में मैडम से बात कर लियो टीसी की, और टीसी ले आ वरना दुबई के किसी स्कूल में तुझे एडमिशन ना मिलेगा। पापा लाइफ में टंटे हो रखे हैं, सारे टंटे दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। चलो पैकिंग शुरू करते हैं। चटंकी भैया आ जाओ। हाँ, करो करो भाई, पैकिंग कर लो भैया। अरे यार अब तो मुझे सच्ची में लगने लगा ये पापा भी ना दुबई के रेगिस्तान में तंबू गाड़ के रहेंगे। देखा मेरा सपना सच हो गया, मतलब घूम फिर के हुआ लेकिन हो गया, सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज हो गए, मैं तो पागल हो रही हूँ सोच सोच के। लाइची जी हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अब ये नया घर नई नौकरी क्या करेंगे, हम कहाँ से ढूंढें। सीरियसली आपको नौकरी और नए घर की पड़ी हुई है, शर्म नहीं आती आपको? मेरा मैं तो पूरा संसार उजड़ रहा है यहाँ पर। लाइची जी तो हम कौन सी मन्नतें मांग रहे हैं कि आप चले जाएं आपके साथ, हमारा भी तो सब कुछ। हा?
हमारा मतलब यह है कि आपके और सेठ जी के जाने का दुख हम भी नहीं झेल पाएंगे इलायची जी, और आपसे लगाव, मतलब हमारा मतलब यह है कि आपसे और सेठ जी से हमारा भी लगाव हो गया था। हाँ, अब तो पिंटू भाभी और जीजा जी आप लोग दोनों भी चले जाओगे ना यहाँ से, मतलब चांदनी चौक में मेरे साथ सेल्फी लेने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। अरे सुनीता जी, आप सेल्फी की बात कर रहे हो, हम तो शादी की एल्बम तक का प्लान करे बैठे हैं। सच्ची मुच्ची मेरा मतलब, मैंने सोचा था कि आपकी शादी की हर फोटो में मैं रहूंगी। अब कौन सी सेल्फी और कौन सी शादी पिंटू भाभी, पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जी चाची जी, आप मुझसे मिलने दुबई आएंगे ना? जी लाची जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे हमें वहां पर तेल का कुआं खोदने की नौकरी क्यों ना मिले। हाँ? वैसे इलायची जी, वहां पर काफी अच्छे पैसे मिलते हैं हमने सुना है। क्या? आप पैसों के लिए वहां पे आएंगे? मेरे लिए नहीं? इतने सेल्फिश है यार। अरे नहीं इलायची जी, हमारा वो मतलब नहीं था, हम ये कह रहे थे कि एक सेकेंड इलायची जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, आप सेठ जी को हमेशा हर उल्टी सीधी बात के लिए मनाती रहती हैं, आप इस बात पे कैसे अटक गई हैं? कुछ करें ना। अरे की थी कोशिश, लेकिन वो तो मुझसे ज्यादा जोर से अटके हुए ना इस बात पर। लेकिन जीजा जी, आपके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, छुटकारा जो मिल जाएगा ना इलायची से, फिर आप कोई तंग नहीं करेगा, कोई फिसाएगा नहीं, मतलब कुछ नहीं करेगा, लाइफ सेट है ना। हाँ तो इलायची जी, आप भी तो वहां जाएंगी, फिर वो वहां पे होंगे ना, अभी भी टमाटर, अभी भी आलू, अभी भी प्याज, अभी भी गाड़ी, अभी भी ये, अभी भी वो। आप फिर इस गवैये को थोड़ी ना याद करेंगे, क्यों है ना? अब्सेंट ही कर रहे हैं आप, रुलाएंगे क्या जाते जाते? तो रुक जाइए ना इलायची जी। सच्ची? आप इलायची जी, हमारा मतलब ये है कि आपका स्कूल, आपके दोस्त, आपकी 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 सारी जिंदगी यहाँ पर है इलायची जी, आप चांदनी चौक छोड़ के चले जाएंगी, ऐसा लगेगा सब कुछ सूना सूना हो गया है, सब 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 फीका हो गया है। सच्ची चीजा जी, आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ? आप हाँ, ऐसा ऐसा हमें बुबू ने कहा, क्यों बुबू? हाँ हाँ, मैं नहीं बताया था क्या, मैं सच कह रही हूँ, मेरी इतना पूरी दुनिया श्याम सहित होने जा रही है, सच बता रही हूँ, कुछ बचा ही नहीं, सब बेरंग हो गया। जीजा जी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करें, प्लीज जाते जाते गाना सुना दीजिए प्लीज। आज नहीं हो पाएगा इलायची जी, हमारे सुर हमारा साथ नहीं दे रहे आजकल। सुनो चल, आंख में कुछ गया है, धोके आना पड़ेगा, चल इलायची जी। भाई पंचम, अंदर से ना बड़ी उलझन सी हो रही है, मन जो है ना बड़ा फीका फीका सो रखा है, मन कर रहा है यार खूब फूट फूट के रो लूं।